Good morning, friends. Day 5 of our winter Spiti expedition, and today is 21st March 2022. So today we are going to explore approximately 5 to 6 places in which Key Monastery, Kipper, Chicham Bridge, Post Office, Hekkim Village, and Langza, and many more. हम आपको हर एक डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद अपडेट देते रहेंगे और आपको क्लिप्स दिखाएंगे। जब हम यहाँ पर आए थे इधर, तो हम यहाँ पर कुछ ढूंढ रहे थे यहाँ पर अपना होमस्टे वगैरह। जी, तो कुछ प्रॉब्लम्स ही हुई थी आपको? प्रॉब्लम सर, एक तो यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। ओके। एक्चुअली हम लोगों ने जब रास्ते में थोड़ा महसूस किया था, तो यहाँ आने के बाद तो स्थिति ये थी कि हम लोगों को होमस्टे भी कहाँ अवेलेबल हो पा रहा था। मोस्ट ऑफ द होमस्टे जितने भी थे यहाँ पे मेजर, सारे बंद थे। यहाँ पे कोई शायद मेला बुद्धिस्ट का, इधर बताइए पब्लिक को, बुद्धिस्ट का कोई मेला लगा हुआ है, उसकी वजह से सारे होमस्टे लॉक करके ये लोग मेले में पार्टिसिपेट करने के लिए चले गए। कितनी मेहनत के बाद ये होमस्टे हम लोगों को मिल पाया है। करीब 2 घंटे हम लोगों को लगे। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं होमस्टे में? जी। जगह कैसी लगी आपको? जगह अच्छी है, होमस्टे बहुत अच्छा है, रूम्स अच्छे हैं। ओके, तो होमस्टे की थोड़ी बताइए। ये हमारा होमस्टे है, अगर आप लोग कभी यहाँ आते हैं तो इस होमस्टे में रुक सकते हैं। की मोनेस्ट्री पहुंच गए। विष्णु भाई को बहुत खुशी हो रही है, इन्होंने इतने दिनों के बाद स्नो पे स्नो के पास आ चुके हैं, और देखिए स्नो कलर की इन्होंने जैकेट पहन रखी है। हाय फ्रेंड्स, तो की मोनेस्ट्री जाके ये पूछ रहे थे मोनेस्ट्री में करते क्या। मैंने कहा मोनेस्ट्री चलते हैं, फिर बताते हैं मोनेस्ट्री में क्या करते हैं। एक्चुअली हम लोगों के देवी देवताओं से अलग है, थोड़ी भिन्न स्थिति है, तो मैंने कहा थोड़ी जानकारी लूँ भाई से, इन्हें शायद ये तो आते रहते हैं, देवता है, सब ज्ञान रखते हैं। लेकिन इन्होंने मुझे जितना बताया उससे खुशी हुई। इन्होंने कहा कि आनंद लो, परमानंद अपने आप आशीर्वाद दे देगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हाय फ्रेंड्स, विष्णु हेयर। हम लोग किवर विलेज पहुंच चुके हैं। काजा से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है ये विलेज, और सबसे ऊंचा विलेज है ये। 14,200 फुट की ऊंचाई पे हम लोग हैं, और किवर विलेज की खासियत ये है कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ा हुआ है ये विलेज। और यहाँ से अब लोग हम कहाँ जा रहे हैं दीपक भाई, बताएंगे? चिचम, वही चिचम जाएंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा ये पूरा हम वाइल्ड लाइफ रेंज में, तो कह रहे हैं आईबैक्स, ब्लू शीप और स्नो लेपर्ड दिखने के चांसेस होते हैं। थोड़ा सा एक 15-20 मिनट का राउंड लगाते हैं यहाँ पे, देखते हैं शायद बाई लक कुछ दिख गया यहाँ पे। Yeah.
जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे हम चीचम ब्रिज पहुंच चुके हैं। ये एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है जो कि 13,500 फीट की ऊंचाई पर है और ये 2017 में बना था। और एग्जैक्टली अगर कहें तो ये चीचम विलेज है और इसके उस साइड में है जो किब्बर विलेज है, इन दोनों को कनेक्ट करता है ये। 2017 से पहले लोग रोप वे से ही ट्रॉली से आना जाना करते थे, बट अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, ये ब्रिज बन गई है, लोगों को बहुत सुविधा होने लग गई है। अब पहले गाड़ियाँ नहीं जा पाती थी दोनों विलेजों के बीच में, एक्चुअली रोप वे से जाना आना होता था, अब गाड़ियों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। नहीं, कॉफी विद करने नहीं चल रहा है ये, इसमें इसमें लोगों को पब्लिक को जानकारी देनी है। ओके, हाय फ्रेंड्स, विष्णु। तो फ्रेंड्स, वी हैव रीच लांगजा गोम्पा। गोम्पा मीन्स बिग स्टैचू अकॉर्डिंग टू लोकल लैंग्वेज। विंड इज वेरी हाई एंड द ऑल्टीट्यूड इज अबव 14,000 feet, दैट्स व्हाई आई हैव पुट माय मास्क ऑन माय फेस। हैट्स ऑफ टू द लेबर और कंस्ट्रक्टर और इंजीनियर दोज हु मेड दिस स्टैचू। हम वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज पर पहुंच चुके हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 फुट की ऊंचाई पर है, अप्रॉक्सीमेटली 5,587 meters, एंड यहां से आगे कोई विलेज नहीं है। ये रास्ता नीचे विलेज को जा रहा है, वो रहा विलेज, वहां पर जो टावर देख रहे हैं, टावर के पास में कोई रास्ता भी नहीं है, इसके आगे कोई रास्ता जाता ही नहीं है। अभी यहां पर एक मछली भी है, वहां पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्यों पहन ली है? स्नो लेपर्ड देख, मेरे पास एक ब्लैक जैकेट और रखी हुई है तुम्हारी वाली, मैं सोच रहा हूँ चेंज कर लूँ। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ, ये सब जो चल रहा है, हम रास्ते में भी आ रहे हैं, सब कुछ ठीक था, लेकिन अल्टीमेट माइंड ब्लोइंग यहाँ से नजारे, ये नज़ारे लग कैसे रहे उस? अरे यार मस्त। राजेश भाई, आप तो देखते हुए आ रहे हो, फोटोग्राफ लेते हुए आ रहे हो, अल्टीमेट मतलब इसकी इस खूबसूरती को आप बयान नहीं कर सकते, शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन मतलब कैमरे में कैद नहीं हो सकते, कैमरे में कैद नहीं हो सकते, ये तो आना पड़ेगा, ये तो आंखों से ही देखा जा सकता है। और अच्छा, एक उसके बारे में बताइए, जो रास्ते में आपको ना रसायन आपको जो बार बार मिल रहा है उसके बारे में क्या? एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसके बारे में हम ना बोले तो ठीक है, एक्चुअली ऑक्सीजन लेवल तो पहले से ही डाउन है, और एक हमारे साथ महाशय है, वो उन्होंने पता नहीं क्या खाया आज, तो बायोगैस प्लांट बने हुए अपने लिए कह रहे हैं ये, जरा ध्यान दीजिएगा। मोनेस्ट्री है लेकिन अभी बंद है, एंड अभी एक नई मोनेस्ट्री और बनी है वो ही सामने, यहाँ पर अभी लोकल्स से पूछा तो ये भी मोनेस्ट्री अभी बंद है, तो अंदर नहीं जा पा रहे हैं, एंड अभी है ना यहाँ पर उससे लेवल काफ़ी कम है, बिकॉज ये दुनिया का सबसे ऊंचा विलेज है, 15,000 फुट की ऊँचाई है। मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स ऑक्सीजन से जूझ रहे हैं, इसलिए हम यहाँ से चल रहे हैं। ये तो स्विट्जरलैंड जैसा प्रतीत हो रहा है बिल्कुल। अरे भाई, बेटा स्विट्जरलैंड जितनी हाइट पे है उससे डबल हाइट पे है, मालूम है आपको? तो लेकिन हमारे भाग्य हैं ये, अभी तो। अभी ये कह रहा था कि हम कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, हाँ। और क्या क्या
तो वो तो काफी ऊंचाई पे हैं। काफी ऊंचाई पे नहीं, थोड़ी नीचे है। काफी ऊंचाई पे नहीं राजू, ये इसको आप वही फील ले सकते हैं, ये वही ऊंचाई है, वही फील है, ये ऐसे नहीं महसूस कर सकते। Guys, this is the end of this episode. In next episode, that means in fourth episode, we will drive you to Kunzum Pass from Kaza, which is the most adventurous, dangerous and toughest but very beautiful snow dive of 75 kilometers.